नो आ बहुत पहने दांत है यार। अच्छा तेरी, रुकियो रुकियो, सिट 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 सिट। हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो कल गाइस बारिश का बहुत ज्यादा बारिश हो गई थी और मेरा मास्क भी खो गया था, तो मैं आगे व्लॉग कर नहीं पाया, इसलिए मैंने टू बी कंटिन्यूड लिख दिया था। तो कल का व्लॉग मैं आज दोबारा से कंटिन्यू करूंगा और जो कल बाकी रह गई थी बातें वो सारी आज बता दूंगा। वैसे आज मुझे हेयर कट भी लेना है, तो पहले मैं हेयर कट लेने जा रहा हूँ। अभी फिलहाल हेयर कट लेकर आऊँगा, उसके बाद बात करेंगे, ठीक है। मैं आपको सारी बात बताऊँगा कल क्या हुआ, मैंने क्यों नहीं बनाया आगे का व्लॉग, क्योंकि यहाँ पर बारिश भी बहुत तेज़ हो रही थी और यहाँ पर काम भी मैंने आपको बता रखा है कि बहुत ज़्यादा काम चलता रहता है। तो आके बात करता हूँ मैं सारी, है ना। पहले मैं हेयर कट करा कर आता हूँ, बहुत बड़े हो रहे हैं बाल, आप देखना अब ना संभाले नहीं जा रही। मैं सोच रहा था कि पहले बड़े बड़े करूँगा, पर मैंने सोचा कि रहने ले यार, छोटे छोटे अच्छे लगते हैं अपने मुँह पर। तो गाइस अभी हेयर कट करवा के मैं आ चुका हूँ, कमेंट में बता सकते हो कि कैसा लग रहा है। सबसे अच्छे वाले मुझे ऐसे ही लगते हैं, कुछ चिंता रहती नहीं, फिर गर्मी में लगते नहीं साइड से, ऊपर वाले इतने छोटे बहुत हैं, क्योंकि ज़्यादा छोटे कराने से भी ज़्यादा दिक्कत होती है फिर, तो मुझे इतने ही ठीक लगते हैं। तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो कि मैं कैसा लग रहा हूँ। बाकी गाइस अभी हमारे चैनल पर फिर से थोड़ी सी ग्रोथ आई है, शेरा का मैंने शॉर्ट डाला था एक, उस पर काफ़ी अच्छे व्यूज़ आ चुके हैं, 600 व्यूज़ इस पर अभी तक हो चुके हैं, तो उस पर से मेरे 5-6 सब्सक्राइबर भी आए हैं। तो मेरे लग रहा है 2990 सब्सक्राइबर मेरे कंप्लीट हो गए हैं, तो 3000 रुपये अपना मैं फेस रिवील कर ही दूंगा, उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा मैं, और वजह भी बता दूंगा कि क्यों नहीं दिखा रहा हूँ बिना फेस अभी। और गाइस एक बहुत ही अच्छी बात मैं आपको बता दूँ, हमारा नया सरप्राइज मैं बहुत टाइम से आपको बताता आ रहा हूँ, वो रिवील करने वाला हूँ मैं बहुत जल्दी। तो अगर आप चैनल पे नए हो, आप देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रखा, तो जल्दी से कर लो, काफ़ी अच्छा सरप्राइज है हमारे लिए भी और आपके लिए भी। और गाइज अगर मैं आपको दिखाऊं तो स्क्रीनशॉट देख लो, अभी तक कितने सारे 97% लोगों ने अनसब्सक्राइब कर रखा है मेरा चैनल यार, मतलब अनसब्सक्राइब तो नहीं, मतलब देखते तो है लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, लेकिन प्लीज़ यार थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दो। अगर आप देखते हो मेरा चैनल, आते हो, व्लॉग देखते हो, यार सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता। प्लीज़ जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल अभी सब्सक्राइब कर लो, आपको बहुत ही अच्छा सरप्राइज देने वाला हूँ मैं, मतलब आपको नहीं, आप हमारे लिए सरप्राइज था लेकिन आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, तो जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लो चैनल। तो गाइस अब बताता हूँ आपको कल क्या हुआ था। कल मेरा जो ब्लॉग है मैं बनाते बनाते बीच में छोड़ के चला गया था, क्योंकि यहाँ पर बारिश भी बहुत ज़्यादा हो रही थी, उसके बाद मेरा फ़ोन जहाँ पर रखा था, जहाँ से मेरी वीडियो रिकॉर्ड हो रही थी, वहाँ पर पानी गिर रहा था, और दूसरी कोई ऐसी लोकेशन मिल नहीं रही थी जहाँ पे मैं अपना फ़ोन रख के अच्छी तरह वीडियो बना पाऊँ। तो गाइज मैंने कल करा था गमलों पर पेंट, आप कल वाला व्लॉग देख लेना अगर आपने नहीं देखा अभी तक, तो जाकर के आप वाला व्लॉग देख लो। तो पेंट करने के बाद मैंने आपको बोला भी था कि हमने जो 2-4 पौधे हैं हमारे पास, उन्हें ट्रांसप्लांट कराए। कोई पौधा हमारा एक पौधा ऐसा था जो छोटे गमले में लग रहा था, पर उसकी रिक्वायरमेंट बड़े गमले की थी, तो हमने थोड़ा सा एक्सचेंज कराया गमलों को। और आप मतलब अभी आपको मैं दिखा दूंगा उसका शॉट, दिखा दूंगा आपको अपने गार्डन का, हमने उसकी थोड़ी सी छटाई भी करी है, मतलब बहुत ज़्यादा घने हो गए थे बारिश में, यहाँ बारिश इतनी हो रही है तो बारिश के पानी से तो पौधे घने होते ही हैं, तो हमारे जो पौधे हैं तो पौधे काफ़ी घने हो गए थे, इसलिए हमें उसकी थोड़ी सी कटाई करनी पड़ी, तो हमारा गार्डन काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। आपको शॉट दिखाता हूँ, देखो नहीं। और शेर अपने साथ ही खेल रहा है छत पर हमारा। नो हे, ये अपने कपड़े नहीं है जो काटने में लगा पड़ा है, दूसरों के हैं, दूसरे हमें काट देंगे। पैर पकड़ ले, बस पैर पकड़ लो। नो, इधर आओ, इधर सिट डाउन, सिट सिट, गुड बॉय गुड बॉय गुड बॉय। हेलो करो, हेलो
हेलो हेलो कर दो शेरा, हेलो कर दो, नो हेलो करो, अच्छा हेलो, गुड बॉय, हेलो करो, नो हेलो करो, नो आ बहुत पहने दाँत यार, अच्छा तेरी, रुकियो, सिट, बैठ जा। तो गाइस हमने बोगनविला भी रख दिया है ऊपर छत पर, क्योंकि ये फैल बहुत ज़्यादा रहता है। देखो ये बाहर गार्डन में रखा हुआ अच्छा नहीं लग रहा था बिल्कुल भी, इसलिए हमने इसे छत पर रख दिया। पीछे की तरफ लटक करके चल जाएगा, यहाँ पे सारे में लटक जाएगा ना तो बढ़िया लगेगा लटका हुआ, क्योंकि बोगनविला लटक के ही चलता है। और वैसे भी अभी इसमें आने वाले हैं फूल, फोकस मार भाई, फूल आने वाले हैं। गाइस अभी मैं आया हूँ ऊपर, और मैं बालों में तेल तो लगाता नहीं हूँ, तो थोड़े से बाल हो रहे हैं ख़राब मेरे। तो मौसम भी काफ़ी अच्छा हो रहा है, देखो सारे में घटा घटा, और वाला खेत भी काफ़ी बढ़िया लगता है दिखने में। तो अब तो थोड़ी देर में ऊपर ही रहूँगा, वैसे भी अंधेरा हो चुका है। तो ये वाला व्लॉग तो मैं कर रहा हूँ यहीं पर एंड। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो व्लॉग को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। आगे भी काफ़ी अच्छे अच्छे व्लॉग अभी आने वाले हैं, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले व्लॉग में।